भेजी थी स्कीम्स की अध्यक्ष महोदय, उसके कारण 10 नवीन अम्ब्रेला योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए 628 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री मातृवंदन वंदन योजना के लिए 117 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों में महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए महिला सदन बनाने की एक नवीन योजना हमारी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है। खेल एवं युवा कल्याण, पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने के लिए छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जाएगी। इस हेतु 20 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। जसपुर जिले के कुनकुरी में मॉडर्न खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इस हेतु 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दो इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु भी 4 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 5 नवीन जो जिले गठित हुए हैं, इन्हें पिछली सरकार ने गठित किया है, वहाँ जिला कार्यालयों की स्थापना हेतु 2,50,00,000 रुपए का प्रावधान खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत किया गया है। कला, साहित्य, खेल एवं समाज सेवा के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित एवं सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान दिया जाएगा। इस मद में 1,50,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। भू राजस्व व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग जिले में राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, रायपुर तहसील ऐसे तहसील है अध्यक्ष महोदय जहां बस्तर संभाग के सभी जिलों में जितने राजस्व प्रकरण नहीं है उससे ज्यादा एक एक तहसील पर हैं, इसलिए वहां पे अतिरिक्त पद सृजित करके राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। इस हेतु तहसीलदार के 30 और नायब तहसीलदार के 15 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान किया गया। भू नक्शों का जियो रिफ्रेंसिंग कराया जाएगा। तब प्रत्येक भूखंड में UL PIN नंबर देते हुए भू आधार कार्ड जारी किया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में 1:500 के स्केल पर भूमि का नवीन सर्वेक्षण प्रारंभ किया जाएगा। इससे शहरी क्षेत्रों में छोटे भूखंडों को भू नक्शे पर दर्ज किया जाना संभव हो सकेगा। भू अभिलेखों को सिविल न्यायालयों से लिंक किया जाएगा। इससे सिविल न्यायालय द्वारा भूमि संबंधी प्रकरणों में पारित आदेशों के परिपालन में भू अभिलेख का सुधार कार्य ऑनलाइन प्रक्रिया से संभव हो सकेगा। भूमि व्यपवर्तन की प्रक्रिया को ऑनलाइन एवं सरल बनाया जाएगा। कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, राज्य में कानून व्यवस्था की मजबूती के लिए राज्य पुलिस बल में 1,889 पदों की वृद्धि की गई है। नक्सल ऑपरेशन में जाने वाले राज्य पुलिस बल के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त रेडी टू ईट फूड की व्यवस्था हेतु बजट में प्रावधान किया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों की सुरक्षा की दृष्टि से स्पाइक रेजिस्टेंट बूट देने के लिए बजटरी प्रावधान किया गया है। साइबर क्राइम के प्रकरणों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए कबीरधाम, कोरबा, राजनांदगांव एवं रायगढ़ जिले में 4 नवीन साइबर पुलिस थानों की स्थापना के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। सीमावर्ती जिलों में मानव तस्करी के प्रकरणों में पीड़ित बालिकाओं एवं महिलाओं की सुरक्षा के लिए राजनांदगांव, कबीरधाम, रायगढ़, जगदलपुर एवं जसपुर जिले में 5 नवीन महिला थाना की स्थापना का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। डायल 112 की सुविधाओं का पूरे प्रदेश में विस्तार किया जा रहा है। इस कार्य के लिए 149 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के अंतर्गत 3 जिलों हेतु वाटर टेंडर, फोम टेंडर, वाटर बाउजर क्रय किए जाएंगे। इसके लिए 14,70,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया। जेल में रहने वाले बंदियों को उनके परिजनों से बातचीत करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 8 जिला जेल एवं 8 उप जेलों के प्रिजन कॉलिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके लिए 1,16,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया। जेलों की व्यवस्था से संबंधित विभिन्न कार्य जैसे बंदी बैरक, सीसी रोड, आवासीय भवन एवं बाउंड्री वाल निर्माण हेतु 32 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों जो कर्मचारी रहते हैं उनको थाना क्षेत्र में ही रहने को मिल सके,
दूरदराज के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वे रह सकें, इसके लिए 129 करोड़ रुपए के पुलिस चौकी, थाना एवं अन्य भवनों के निर्माण हेतु 71 करोड़ का प्रावधान किया गया है। न्याय व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, राज्य के दूरस्थ एवं अंतिम छोर पर स्थित जिला बीजापुर में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना की जाएगी। इस हेतु 44 पदों का सृजन एवं 1,45,00,000 रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। 40 व्यवहार न्यायालयों तथा 10 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापना हेतु 360 पदों का सृजन एवं 21 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जिला मुंगेली में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना के लिए 9 पदों का सृजन और इस कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया है। कटघोरा जिला कोरबा में परिवार न्यायालय की स्थापना के लिए 19 पदों का सृजन किया गया है। महासमुंद एवं जगदलपुर में परिवार न्यायालय भवन तथा 24 स्थानों पर व्यवहार न्यायालय, इस प्रकार कुल 26 न्यायालय भवनों का निर्माण किया जाएगा। इस हेतु 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। न्यायिक कर्मचारियों के 289 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए कुल 21 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था एवं वीडियो वॉल की स्थापना तथा जेल एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लाइव स्ट्रीमिंग एवं रिकॉर्डिंग हेतु अतिरिक्त सेटअप एवं कंप्यूटर उपकरणों की व्यवस्था के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऐसा कोई विभाग नहीं अध्यक्ष महोदय जहां टेक्नोलॉजी के लिए हमने बजट न दिया। ई कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु हार्डवेयर इंजीनियर एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के 596 पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है। नगरीय सुविधाओं का विकास, नगरीय क्षेत्रों में सबके लिए आवास हाउसिंग फॉर ऑल योजना अंतर्गत 1,002 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अमृत मिशन योजना अंतर्गत 795 करोड़ एवं अधोसंरचना विकास मद अंतर्गत 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रायपुर एवं बिलासपुर में स्मार्ट सिटी के लिए 404 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 206 करोड़ एवं यूज्ड वाटर मैनेजमेंट के लिए 166 करोड़ तथा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नगरीय क्षेत्र में स्थित स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नगर पंचायत कुनकुरी, प्रतापपुर, लोरमी एवं मनेन्द्रगढ़ में ड्रेनेज सिस्टम एवं सीरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए 7 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 168 नगरीय निकायों में ई गवर्नेंस के तहत बजट एवं अकाउंटिंग मॉड्यूल स्थापित करने के लिए 47 नगरीय निकायों में प्रॉपर्टी सर्वे किए जाने हेतु GIS आधारित सॉफ्टवेयर निर्माण करने के लिए भी बजट प्रावधान किए गए हैं। इससे प्रॉपर्टी टैक्स की प्राप्तियों में पारदर्शिता आएगी। इन कार्यों के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नगरीय निकायों में अध्यक्ष महोदय रायपुर में एक नालंदा परिसर बना है, एक ऐसा लाइब्रेरी राष्ट्रीय स्तर की जिसमें 3,000 से अधिक युवा आज वेटिंग में है। नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 स्थानों पर सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन की स्थापना की जाएगी और इसके लिए 148 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। शहरों में जल की शुद्धता के ऑटोमेटेड जांच एवं प्रदर्शन प्रारंभ किया जाएगा। रतनपुर और डोंगरगढ़ में पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए ड्रिंक फ्रॉम टैप वाटर का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने किए जाने का निर्णय लिया गया है। छोटे घरों के लिए 15 दिवस के अंदर कंप्यूटराइज जांच प्रणाली के माध्यम से भवन निर्माण के अनुमति की व्यवस्था लागू की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ई बस सेवा अंतर्गत वाहनों ई बस क्रय करने हेतु 103 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा और यह ग्रीन एनर्जी की दिशा में हमारा एक बड़ा कदम होगा। स्टेट कैपिटल रीजन के एकीकृत विकास योजना तैयार करने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। IT इनेबल्ड सेवाओं के अनुकूल अधोसंरचना विकसित की जाएगी, इसके लिए भी 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर, अटल नगर में केंद्रीय विद्यालय, मेडिकल हब एवं आंतरिक मार्गों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सिटी डेवलपमेंट एवं इन्वेस्टमेंट प्रमोशन हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी कारपोरेशन के लिए 206 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पर्यटन एवं संस्कृति, आम नागरिकों के लिए राज्य में पर्यटन सुविधा बढ़ाए जाने हेतु मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी। शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के 5 शक्तिपीठों अर्थात रतनपुर, चंद्रपुर, दंतेवाड़ा, कुदरगढ़, इन 5 स्थानों के को विकसित करने के लिए योजना तैयार की जाएगी। इस हेतु 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विभागवार महत्वपूर्ण अभिलेखों को डिजिटल स्वरूप देने के लिए छत्तीसगढ़ वेब अभिलेखागार में जन सामान्य को सुविधा के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस हेतु 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे वनवासियों की भाषा, आदिवासी भाइयों की भाषा गोंडी भाषा है। गोंडी भाषा के विकास हेतु हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा से गोंडी भाषा में अनुवाद करने वाले सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाएगा। इससे गोंडी भाषा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इस हेतु 2,50,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में गोंडी, हल्बी जैसी आदि भाषाएं हैं। इन आदि भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए छत्तीसगढ़ आदि भाषा परिषद का भी गठन किया जाएगा। वन एवं जलवायु परिवर्तन, तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 4,000 रुपए से बढ़ाते हुए 5,500 की दर से संग्रहण शुल्क का भुगतान किया जाएगा। वन क्षेत्रों में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई नीति जारी की जाएगी। वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए किसान वृक्ष मित्र योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके अंतर्गत निजी भूस्वामी एवं शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्थाओं को वाणिज्यिक वृक्षारोपण के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस हेतु 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कैंपा योजना में 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप वनों के प्राकृतिक पुनरुत्पादन हेतु 240 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के सदस्यों को चरण पादुका वितरित करने हेतु 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लेमरू हाथी रिजर्व परियोजना अंतर्गत फलदार प्रजातियों का वृक्षारोपण, चारागाह विकास, जल की उपलब्धता तथा हाथी मानव द्वंद्व के कुशल प्रबंधन के लिए रैपिड रिस्पांस टीम के गठन और अन्य कार्यों हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बार नावापारा अभ्यारण्य में पर्यटन सुविधाओं के विकास हेतु 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विभाग के कार्यों का वेब एवं मोबाइल बेस्ड प्लेटफॉर्म तैयार किए जाने के उद्देश्य से प्रशासन सुदृढ़ीकरण योजना अंतर्गत 14,70,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। वन विभाग द्वारा किए जाने वाले लकड़ियों की नीलामी के लिए ऑनलाइन ऑक्शन पोर्टल का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षित प्रदेश विकसित प्रदेश, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तत्परता से लागू किया जाएगा। चरणबद्ध रूप से इसका क्रियान्वयन करते हुए प्रदेश के बच्चों एवं युवाओं को उनकी विशिष्ट योग्यता के अनुरूप विकास के अवसर प्रदान किए जाएंगे। डिजिटल एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इकोसिस्टम के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षकों की भर्ती एवं पद स्थापना के लिए पोर्टल आधारित पारदर्शी, विश्वसनीय एवं सुगम व्यवस्था लागू की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च, इनोवेशन, गुणवत्ता उन्नयन आदि कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ हायर एजुकेशन मिशन का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप, इनोवेशन एवं रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा। इस हेतु 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर में 20 नवीन शिक्षण विभाग में 33 नवीन स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। इस हेतु बजट में प्रावधान किया गया है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययन शाला प्रारंभ की जाएगी। आपराधिक न्यायिक तंत्र में निष्पक्ष परीक्षण एवं जांच के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही
फॉरेंसिक साइंस विषय हेतु अध्ययन शाला प्रारंभ किए जाएंगे, इस हेतु भी बजटीय प्रावधान किए गए। भवन विहीन 20 शासकीय महाविद्यालयों के नवीन भवन निर्माण हेतु 20 करोड़ तथा अन्य निर्माण कार्यों के लिए 10 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। 15 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के नवीन विषय एवं संकाय खोले जाएंगे। 22 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर के नवीन विषय प्रारंभ किए जाएंगे। सूरजपुर, गरियाबंद, कोंडागांव, सुकमा एवं बलरामपुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना की जाएगी। भवन विहीन 57 शासकीय हाई स्कूलों एवं 39 शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों के भवनों का निर्माण किया जाएगा, इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर अटल नगर में संगीत महाविद्यालय एवं ग्राम बेंद्री विकास खंड अभनपुर में जिला रायपुर में शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा, इस हेतु भी बजटीय प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर अटल नगर में लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। पिपरिया जिला कबीरधाम में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी, इसके लिए 1 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। विद्यार्थियों एवं आम जनता में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करने एवं विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों को समझने के उद्देश्य से राजधानी में साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी, इसके लिए 34 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खगोल विज्ञान की लोकप्रियता को जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से सूरजपुर जिले में एस्ट्रो पार्क की स्थापना की जाएगी, इसके लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, प्रदेश के बीपीएल परिवारों को 5 लाख तक एवं एपीएल परिवारों को 50,000 तक निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए आयुष्मान कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ शहीद वी नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना संचालित की जाएगी, इसके लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना में 1,821 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश का प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज है बिलासपुर का छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसका भवन जर्जर होकर वर्षों से चला आ रहा है। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए के लागत से नवीन भवन का निर्माण किया जाएगा। शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय रायपुर का 1200 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन किया जाएगा एवं इसके लिए 776 करोड़ की लागत से 700 बिस्तर अस्पताल के भवन निर्माण किया जाएगा। अंबिकापुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की जाकर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के साथ संयोजित करते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तर्ज पर वहाँ चिकित्सा सुविधाओं का विकास किया जाएगा, इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य के अस्पतालों को गुणवत्ता उन्नयन की दृष्टि से राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS सर्टिफिकेशन कराया जाएगा, इस हेतु 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रायगढ़, कवर्धा, गरियाबंद, मुंगेली, बैकुंठपुर, जसपुर एवं नारायणपुर के जिला चिकित्सालयों को आदर्श चिकित्सालय के रूप में विकसित किए जाने हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में ट्रामा सेंटर की स्थापना हेतु 2,70,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। नवीन 5 जिले खैरागढ़ छुई खदान गंडई, मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, गौरेला पेंड्रा मरवाही एवं शक्ति में सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों की स्थापना की जाएगी। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी तथा कुनकुरी में 220 बिस्तर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। बस्तर में नर्सिंग कॉलेज की स्टाफ क्वार्टर हेतु भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। डीकेएस के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर एवं फिजियोथेरेपी महाविद्यालय रायपुर में छात्रावास निर्माण हेतु 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 300 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 25 जिला चिकित्सालयों, 48 क्रियाशील फर्स्ट रेफरल यूनिट के लिए लैब टेक्नीशियन के 373 पदों का प्रावधान इस बजट में किया गया है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उन्नयन के लिए 37 पदों का प्रावधान किया गया है। उप स्वास्थ्य केंद्र गोलावंड जिला कोंडागांव को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन हेतु 12 पदों का प्रावधान किया गया है। सिविल अस्पताल कुरुद जिला धमतरी को 50 बिस्तर अस्पताल से 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन किया जाएगा। 15 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी, इसके लिए 276 नवीन पद सृजन का प्रावधान किया गया है। शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में फिजियोथेरेपी, मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति तथा योग संबंधी परामर्श सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत 3,50,00,000 रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। मनेंद्रगढ़, सूरजपुर, बलरामपुर एवं कोंडागांव में जिला आयुर्वेद कार्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। 6 आयुर्वेद औषधालय रतनपुर जिला कोरिया, सेमरिया जिला रायपुर, निकुम जिला दुर्ग, चित्रकोट जिला बस्तर, सुपेबेड़ा जिला गरियाबंद तथा रेरुमा खुर्द जिला रायगढ़ में खोले जाएंगे। जिला आयुर्वेद कार्यालय सूरजपुर में 10 बिस्तर के पॉली क्लिनिक की स्थापना की जाएगी। भूमिहीन कृषि मजदूरों, श्रमिकों, निराश्रितों एवं दिव्यांगों की सहायता। भूमिहीन कृषि मजदूरों की सहायता हेतु दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना प्रारंभ करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है, जो मोदी की गारंटी का हिस्सा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए इस बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। असंगठित श्रमिकों, असंगठित सफाई कर्मकारों, ठेका मजदूरों, घरेलू कामकाजी महिलाओं एवं हमालों के कल्याण हेतु अटल श्रम सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए 123 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है। विभाग द्वारा असंगठित श्रमिकों के पंजीयन एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के ऑनलाइन मॉनिटरिंग हेतु श्रमेव जयते पोर्टल आरंभ किया जाएगा। पोर्टल के विकास हेतु 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। निराश्रितों, वृद्धजनों, दिव्यांगों, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन योजनाओं का लाभ देने के लिए 1,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे लगभग 23 लाख हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिल पाएगा। प्रदेश के दिव्यांगों के सामाजिक समावेश सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दिव्यांग अनुकूल बनाने के प्रति भी इस बजट में बजटीय प्रावधान किए गए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग वर्तमान उद्योग नीति की समीक्षा करके नई उद्योग नीति जारी की जाएगी। इसमें राज्य में उपलब्ध कृषि उत्पाद, वनोपज एवं खनिज संपदा तथा रोजगार मूलक उद्योगों की स्थापना का ध्यान रखा जाएगा और नए उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ साथ कोर सेक्टर में पूर्व से कार्यरत उद्योगों के क्षमता विकास के लिए भी अनुकूल अवसर प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश में आर्थिक और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त कोरबा बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट के क्षेत्रों में उपलब्ध उपयुक्त शासकीय भूमि पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। इस योजना हेतु के निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। नए औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु 60 करोड़, फूड पार्क की स्थापना हेतु 50 करोड़, लागत पूंजी अनुदान हेतु 200 करोड़ एवं ब्याज अनुदान हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए मोदी जी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जाएगी। इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, इस हेतु भी बजटीय प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश में अत्याधुनिक छत्तीसगढ़ स्टार्टअप हब, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग इकाइयां स्थापित करने एवं राज्य में एक समृद्ध नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किए जाने हेतु स्टार्टअप समिट का आयोजन कर किए जाने का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। जिला कोरबा में एल्यूमिनियम पार्क की स्थापना किए जाने हेतु 5 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। प्रदेश के हैंडलूम, हस्तशिल्प एवं अन्य स्थानीय उत्पादों के बिक्री एवं प्रचार प्रसार के लिए मार्केट प्लेस उपलब्ध कराने हेतु राजधानी में राष्ट्रीय स्तर पर जो यूनिटी मॉल का कॉन्सेप्ट है, उसी तरह का यूनिटी मॉल रायपुर में स्थापित किया जाएगा। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इसकी लागत लगभग 200 करोड़ रुपए होगी और इसके लिए 80 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान होगा। 50% सेंट्रल से मिलेगा।
ऊर्जा विभाग 5 HP तक के कृषि पंपों को वार्षिक 7,500 यूनिट तक निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना में 6,96,000 कृषि पंपों को लाभ मिलेगा। हाफ बिजली बिल योजना अंतर्गत 43,34,000 घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट की खपत तक हाफ बिजली बिल योजना का लाभ प्रदाय किया जा रहा है। इसके लिए 1,274 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि पंपों के ऊर्जीकरण हेतु 200 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। कृषकों को सिंचाई की सुविधा हेतु सोलर सिंचाई पंपों की स्थापना हेतु 670 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। बीपीएल उपभोक्ताओं को प्रति माह 30 यूनिट की खपत पर निःशुल्क बिजली प्रदाय की जाती है। इस हेतु एकल बत्ती कनेक्शन योजना अंतर्गत अनुदान मद में 540 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सौर सामुदायिक सिंचाई योजना अंतर्गत 795 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करने के उद्देश्य से 30 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। आईटी अधोसंरचना एवं आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, प्रशासनिक कार्यों में तेजी, शासकीय धन के कपटपूर्ण संव्यवहार पर रोक तथा शासन में पारदर्शिता लाने के लिए आईटी अधोसंरचना का तेजी से विकास किया जाएगा। राजधानी मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक प्रशासनिक कार्यों में आईटी इनेबल्ड सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए सभी विभागों में कुल मिलाकर 266 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह हमारी रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इन टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स को सही ढंग से संचालित करने के लिए छत्तीसगढ़ सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेंस की स्थापना का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है, ताकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजों को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। राज्य शासन द्वारा संचालित सभी प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं की एग्जाई मॉनिटरिंग अटल डैशबोर्ड के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए 5 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। शासकीय धन के आय व्यय की दैनिक निगरानी के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली इफमिस 2.0 प्रारंभ की जाएगी। भारत नेट परियोजना के तहत राज्य की 9,804 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जा चुका है। इसके रख रखाव एवं संचालन के लिए 66 करोड़ की पुल निधि के गठन का प्रावधान किया गया है। एकीकृत ई प्रोक्योरमेंट परियोजना के नवीन संस्करण हेतु 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में वाईफाई के माध्यम से हॉटस्पॉट स्थापित कर प्रदेश भर में इंटरनेट की पहुंच बढ़ाई जाएगी। इस हेतु प्रथम चरण में 1,000 ग्राम पंचायतों में वाईफाई की सुविधा के लिए पीएम वाड़ी परियोजना अंतर्गत 37 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शासन के विभिन्न विभागों द्वारा उपयोग किए जा रहे ई परिसंपत्ति, मोबाइल ऐप एवं वेबसाइट की साइबर सुरक्षा हेतु आवश्यक जाँच एवं सर्टिफिकेशन की व्यवस्था की जाएगी। अधोसंरचना निर्माण, प्रदेश में अधोसंरचना विकास एवं पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए लोक निर्माण विभाग के लिए 8,017 करोड़ रुपए के प्रावधान सहित कुल 22,300 करोड़ रुपए का पूंजीगत मद में व्यय का प्रावधान इस बजट में किया गया है। यह प्रावधान गत वर्ष के पूंजीगत बजट के प्रावधान से 20% अधिक है, जबकि पिछले 5 सालों में ऑन एन एवरेज कैपेक्स में 12% की ही वृद्धि हो रही थी। राज्य मार्गों के निर्माण हेतु 190 करोड़, मुख्य जिला सड़कों के निर्माण हेतु 390 करोड़, ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु 747 करोड़, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण हेतु अतिरिक्त 200 करोड़, शहरी क्षेत्र के मार्ग हेतु 50 करोड़, वृहद एवं मध्यम पुलों के निर्माण हेतु 244 करोड़, रेलवे ओवरब्रिज निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1,690 नवीन निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। इसमें 1,268 सड़क कार्य हेतु 737 करोड़, 349 बृहद एवं मध्यम पुल निर्माण हेतु 175 करोड़ तथा 55 भवनों के निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अधोसंरचना खर्चों में जगदलपुर, बिलासपुर एवं अंबिकापुर एयरपोर्ट हेतु सुरक्षा उपकरण एवं अन्य व्यवस्थाओं को निर्मित करने के लिए
30 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया। जसपुर हवाई पट्टी एवं बलरामपुर हवाई पट्टी के उन्नयन एवं सुधार हेतु 16 करोड़ 20 लाख रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। रेल लाइनों के लिए भी इस बजट में बड़े प्रावधान किए गए हैं। जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर एवं जिला कोरिया अंतर्गत शहरों के विकास और स्थायित्व के लिए रेलवे की महत्वपूर्ण परियोजना चिरमिरी नागपुर हाल्ट की नई रेल लाइन हेतु 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन निर्माण को तीव्र गति से किए जाने हेतु राशि 300 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। कर प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, कर प्रशासन में मजबूती एवं पारदर्शिता लाने के लिए सभी विभागों में आईटी टूल्स की सहायता ली जाएगी। कर प्राप्तियों में सुधार हेतु निगरानी तंत्र को भी मजबूत बनाया जाएगा। राज्य की राजस्व प्राप्तियों का प्रमुख स्रोत वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट जीएसटी है। वस्तु एवं सेवा कर के संकलन में सुधार एवं पारदर्शिता के लिए राज्य मुख्यालय में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की जाएगी। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग का उपयोग करते हुए डेटा ड्रिवन फ्रॉड एनालिसिस सहित राजस्व संवर्धन के अन्य उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे। इस हेतु इस बजट में 9 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। जीएसटी संबंधी अपीलीय मामलों के त्वरित निराकरण हेतु अधिकरण की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आबकारी करावंचन के प्रकरणों पर नियंत्रण हेतु प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी। इसके लिए विभागीय पदों में वृद्धि, निरीक्षण हेतु वाहन व्यवस्था, मॉनिटरिंग हेतु कंप्यूटर उपकरण इत्यादि के लिए 3 करोड़ 88 लाख रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। भूमि एवं भवनों का हस्तांतरण तथा अन्य विविध पंजीकृत संव्यवहार हेतु राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली NGDRS सॉफ्टवेयर का उपयोग सभी जिलों में लागू किया जाएगा। इससे धोखाधड़ी एवं बेनामी लेन देन की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। विचाराधीन संपत्तियों का ऑटो वैल्यूएशन मॉड्यूल के तहत बाजार मूल्य की ऑनलाइन गणना का विकल्प होने से राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि होगी। इसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। वर्ष 2024-25 का बजट अनुमान, अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 का बजट अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। वर्ष 2024-25 में 1,47,500 करोड़ रुपए की कुल प्राप्ति का अनुमान है, जो गत वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों से 22% अधिक है। पिछले पांच वर्षों में बजट के साइज का जो औसत ग्रोथ था वो 8% था, जबकि पिछले बजट की तुलना में इस बजट में हम 22% की वृद्धि बजट के आकार में कर रहे हैं। कर प्राप्तियों में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 68,400 करोड़, केंद्र से प्राप्तियां 57,500 करोड़ एवं पूंजीगत प्राप्तियां 21,600 करोड़ रुपए अनुमानित है। वर्ष 2024-25 के लिए विनियोग का आकार 1,60,568 करोड़ का है। सकल व्यय से ऋणों की अदायगी एवं पुनर्प्राप्तियों को घटाने पर शुद्ध व्यय 1,47,446 करोड़ अनुमानित है। राजस्व व्यय 1,24,840 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय 22,300 करोड़ रुपए का होगा। वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय प्रावधान 18,660 करोड़ था। वर्ष 2024-25 में 22,300 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 20% अधिक है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए आदिवासी उप योजना मद में 33% एवं अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना मद में 13% राशि का विशेष प्रावधान किया गया है। वर्ष 2024-25 के बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए 45%, आर्थिक क्षेत्र के लिए 35% एवं सामान्य सेवा के क्षेत्र के लिए 20% का प्रावधान किया गया है। राजकोषीय स्थिति, अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग तथा प्रशासन को सरल एवं पारदर्शी बनाने के उपाय किए जा रहे हैं। इससे बिना कोई नया कर अधिरोपित किए राज्य के स्वयं के राजस्व में
22% की वृद्धि का हमने बड़ा लक्ष्य रखा है। 17 दिसंबर 2018 की स्थिति में राज्य का कुल ऋण भार 41,695 करोड़ रुपया था, जो विगत 5 वर्षों के दौरान लगभग 91,520 करोड़ रुपए हो गए। इस प्रकार राज्य निर्माण के पश्चात 18 वर्षों में लिए गए ऋण से भी अधिक ऋण पिछली सरकार द्वारा केवल 5 वर्ष के दौरान लिया गया। जनवरी 2024 की स्थिति में राज्य का कुल ऋण भार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के तथा जीडीपी की तुलना में 18% है। वर्ष 2024-25 में राज्य का सकल वित्तीय घाटा 19,696 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें केंद्र से पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता ऋण 3,400 करोड़ रुपए शामिल है। भारत सरकार के निर्देश अनुसार यह राज्य के वित्तीय घाटे का भाग नहीं है, अतः इसे कम करने पर राज्य का शुद्ध वित्तीय घाटा 16,292 करोड़ रुपए होगा, जो राज्य के जीडीपी का 2.9% है। इस प्रकार एफआरबीएम एक्ट में निर्धारित 3% की सीमा के भीतर है। राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां 1,25,900 करोड़ रुपए एवं कुल राजस्व व्यय 1,24,840 करोड़ रुपए है। अतः वर्ष 2024-25 में राजस्व अधिक 1,060 करोड़ रुपए का होगा, अर्थात यह बजट रेवेन्यू सरप्लस राजस्व आधिक्य वाला बजट है। कर प्रस्ताव। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024-25 के लिए कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है। न ही करों की दर में कोई वृद्धि का कोई प्रस्ताव। अध्यक्ष महोदय, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत आज विश्व गुरु की भूमिका में पुनः आ गया है। आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। केवल 10 सालों में 11वें स्थान से आगे बढ़ते हुए हमने 5वें स्थान तक की छलांग लगाई है। कभी बीच में साफ सपेरों के देश की दुर्भाग्यजनक पहचान बना दिए गए भारत को आज विश्व महाशक्ति के रूप में देखा जा रहा है। अमृत काल में अगले 5 सालों के भीतर ही मोदी जी के नेतृत्व में हम विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। हम न केवल इस विकास के भागीदार हैं, बल्कि इस विकास में हमारा बढ़ चढ़कर योगदान भी अपेक्षित है। भले ही हमने अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह समय रुकने का नहीं है। मोदी जी के शब्दों में कहूं तो यही समय है, सही समय है, जब हम कमर कसकर माँ भारती और छत्तीसगढ़ महतारी को उसके पूरा वैभव के पुनर्स्थापना हेतु चल रहे महायज्ञ में भागीदार बने। भले ही हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ प्राप्त करना शेष है। यह समय रुक जाने का नहीं है अध्यक्ष महोदय, बल्कि देश की प्रगति के साथ चलते रहने का है। देश के तेजी से विकसित हो रहे राज्यों के साथ सकारात्मक प्रतिस्पर्धा करते हुए हमारे छत्तीसगढ़ को तेजी से आगे बढ़ाने का है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के फिलॉसफी को, हमारी सरकार के सोच को, हमारी सरकार के दर्शन को मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से प्रकट करना चाहता हूं। गहन सघन मनमोहक वनतरु, गहन सघन मनमोहक वनतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहां आराम बदा, यह मूक निमंत्रण चलना है, अभी तो मुझको मिलो, मुझको मिलो, मुझको चलना है। हमारी सरकार का ये विजन है अध्यक्ष महोदय, हम काफी चले हैं इस प्रक्रिया में, अनेकों लोगों का योगदान रहा है और आगे और द्रुत गति से चलते रहेंगे। आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ये पालनहारी सरकार है जो छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर पहुंचाएगी, जो 5 लाख करोड़ के जीडीपी को 10 लाख करोड़ जीडीपी तक पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है, जो एक विजन डॉक्यूमेंट 1 नवंबर 2024 को प्रस्तुत करने जा रही है। अमृत काल छत्तीसगढ़ विजन 2047, जो विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ में परिवर्तित करने वाला होगा।
अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में वर्ष 2024-25 का बजट छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा की दिशा में हमारा पहला कदम है। राम काज की नहीं बिनु हमें कोई विश्राम नहीं है, इस भावना के साथ वर्ष 2024-25 का वार्षिक विवरण तथा अनुदान की मांगे मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं आय व्यय पर समान चर्चा के लिए दिनांक 12 और 13 फरवरी 24 की तिथियां नियत करता हूं। आय व्यय पर सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव की सूचना शनिवार दिनांक 10 फरवरी 2024 को अपराह्न 3 बजे तक दी जा सकती है। कटौती प्रस्ताव के प्रपत्र सूचना कार्यालय में प्राप्त किए जा सकते हैं। अध्यक्षीय दीर्घा में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी उपस्थित हैं, सदन की ओर से उनका स्वागत करते हैं। सभा की कार्यवाही दिनांक सोमवार 12 फरवरी 2024 को 11 बजे तक के लिए स्थगित है।